क्या आप हॉस्पिटल के बिल से परेशान हैं, या फिर आप भविष्य में किसी बीमारी के इलाज, मेडिकल इमरजेंसी खर्चों के लिए चिंतित हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। दोस्तों, ये आप भी जानते हैं कि कोई बीमारी या मेडिकल इमरजेंसी किसी को बताकर नहीं आती, और ये भी सत्य है कि किसी के पास हमेशा 20 लाख 10 लाख 5 लाख रुपए पॉकेट में यूं नहीं होते। आज मेडिकल में होने वाले खर्चों के लिए हॉस्पिटलाइजेशन के बाद जो बिल आती है, बिल का इंतजाम लोग ज्यादातर कैसे कर रहे हैं? दोस्तों, मैक्सिमम लोग आप देखेंगे कि अपनी बचत, जो सालों महीनों से बचत कर रहे हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने बेटी की शादी के लिए, उस पैसे को तोड़कर हॉस्पिटल के बिल पे कर, कुछ लोग तो यहाँ तक दोस्तों रिश्तेदारों से उधार लेकर हॉस्पिटल के बिल पे कर रहे हैं। और यहाँ तक मैंने देखा है दोस्तों कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी प्रॉपर्टी संपत्ति गिरवी रखकर या उसे बेचकर भी हॉस्पिटल के बिल पे कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, इन तीनों में से आप किस तरह से बिल पे कर रहे हैं? दोस्तों, मैं मानता हूँ, चलिए आप इन तीनों में आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ी, आपके पास पैसे हैं। सपोज करिए आपने हॉस्पिटल की बिल 20 लाख 25 लाख यहीं पे कर दिए, और मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वो पैसे आपने कमाए कितने दिन में? एक हफ्ते, एक महीने, एक साल, हो सकता है किसी को 10 साल लग जाते हैं। दोस्तों, इस कमाए हुए पैसे को क्या हम हॉस्पिटल में यूं ही पे कर दें, ये सही है? दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूंगा, आज एक ऐसा स्मार्ट एंड अपडेटेड लोग हैं, उनका एग्जाम हुआ है, ये आज बिना एक रुपया खर्च किए बड़े से बड़े हॉस्पिटल में अपना इलाज कराकर टेंशन फ्री घर आते हैं। और इतना ही नहीं, ये हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान बिजनेस या अपनी सर्विस में जो ये लॉस है उसका भी मेक ओवर कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं मुकेश राज, फ्यूचर एंड फाइनेंशियल एडवाइजर, मैं ऐसे ही लोगों की मदद करता हूँ जो अपने परिवार के लिए 5 लाख से 1 करोड़ रुपये सालाना का भोजन कराना चाहते हैं, वो भी बहुत ही कम खर्चों में। दोस्तों, मैंने पिछले साल 225 परिवारों का 5 लाख से 1 करोड़ रुपये सालाना का भोजन कराया था। आज भी 60 से 70% परिवार ऐसे हैं जिनके पास इस तरह का कोई प्रोविजन ही नहीं है। कहीं आप भी उनमें से तो नहीं? यदि हाँ, तो अभी भी कोई देरी नहीं हुई है, क्योंकि आप भी जानते हैं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अपनी मेहनत से कमाई हुई पैसों को हॉस्पिटल के बिल पे खर्च करके उसे बर्बाद ना करें, और स्क्रीन पे दिए हुए इस मेल आईडी पे मेल करें, या फिर हमें मोबाइल से कॉन्टेक्ट करके अपने परिवार के लिए 5 लाख से 1 करोड़ रुपये सालाना का प्रोविजन कराइए और टेंशन मुक्त जीवन जिए। और हाँ, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और व्हाट्सएप ग्रुप में आप स्प्रेड करिए, और मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं जितने से जितना लोगों को सर्वाइव कर सकूँ। और मेरा उद्देश्य यह है दोस्तों कि आज के डेट में किसी बच्चे की पढ़ाई के जो पैसे हैं वो हॉस्पिटल में ना जाएं, किसी बेटी की शादी के जो पैसे हैं वो हॉस्पिटल में खर्च ना हो, और मैं ये चाहता हूँ कि किसी की प्रॉपर्टी ना बिके। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।